सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उत्तृष्णा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 बड़ी खबरों का, जिसमें हम आपको प्रदेश की 4 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं और संवाददाता इसकी संपूर्ण विश्लेषण देते हैं। तो शुरुआत करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में तबादलों का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर प्रशासनिक फेरबदल किया है। शुक्रवार सुबह को 12 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी कड़ी में एक राजलिंगम को वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया है। माफ कीजिएगा, S राजलिंगम को वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि श्रुति को फतेहपुर जिलाधिकारी, रविंद्र कुमार प्रथम को कुशीनगर जिलाधिकारी, अपूर्वा दुबे को उन्नाव के जिलाधिकारी होंगी, महेंद्र कुमार बलरामपुर के DM बने और सुधीर कुमार मुख्य विकास अधिकारी कानपुर बनाए गए हैं। बता दें, इसके पहले 11 IAS के ट्रांसफर हुए थे। लगातार जो तबादलों का दौर है वो जारी है उत्तर प्रदेश में। लगातार तबादले चल रहे IAS और IPS अधिकारियों के चल रहे हैं। वहीं ये बड़ी जो ट्रांसफर पोस्टिंग और तबादला हुआ है, प्रमोशन हुआ है अधिकारियों का, वो कुछ इस प्रकार है। एक जिले से दूसरे जिले अधिकारी भेजे गए हैं। सिकड़ी में जो S राजलिंगम है उनको वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि श्रुति को फतेहपुर जिलाधिकारी, अपूर्वा दुबे को उन्नाव भेजा गया है। वहीं महेंद्र कुमार बलरामपुर के DM बने हैं और सुधीर कुमार विकास अधिकारी कानपुर उन्हें बनाया गया है। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो बड़ा फेरबदल हुआ है, तबादले ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है IAS और IPS अधिकारियों को, इसके लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अपडेट फिलहाल ये है कि यूपी में 12 IAS अफसरों के स्थानांतरित किए गए हैं और जो तबादला प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। हालांकि इस तबादलों की अगर जानकारी की बात करें तो उसमें कौशलराज शर्मा मंडलायुक्त प्रयागराज बने हैं, संजय गोयल जो कि पहले बिजली विभाग में रहे हैं, महानिदेशक रहे बिजली विभाग के, उनको अभी झांसी में मंडलायुक्त बनाया गया है। S राजलिंगम उनको DM बनारसी बनाया गया है, जो कि पहले आपके कुशीनगर में थे। इसके अलावा जो कौशलराज शर्मा जो कि कुशीनगर के DM थे, उनको मंडलायुक्त बनाया गया है प्रयागराज का, और जो अपूर्वा दुबे है उनको उन्नाव का DM बनाया गया है। तो लगभग 12 लोगों का यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है और महत्वपूर्ण जगह भी हैं। अगर बात करें सुश्री श्रुति की, तो जिलाधिकारी बलरामपुर की थी, उनको फतेहपुर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो उसमें संजय गोयल, कौशलराज शर्मा और संजय कुमार जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पहले निदेशक भी रहे हैं, उनको भी वित्त विभाग पहले काम करते थे, अब राज्य परिवहन निगम का उनको निदेशक बनाया गया है। संजय गोयल जो कि पहले मैंने आपको बताया कि पहले बिजली विभाग में भी रहे हैं, महानिदेशक रहे हैं बिजली विभाग के, उसके बाद प्रयागराज मंडल के आयुक्त भी रहे हैं, अब उनको झांसी मंडल में आयुक्त बनाया गया है। तो निश्चित यहाँ पर तबादले की प्रक्रिया है वो चलती रहती। तो वहीं दूसरी ओर एक बात और भी है कि जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग और PWD तबादलों को लेकर जो जांच भी चल रही थी, वो तमाम तरह के यहाँ पर मतभेद भी सामने आए थे और ये भी आ रहा था कि तबादले के घोटाले भी हुए तबादले के चलते। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तबादले चल रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, इन तबादलों पर कोई प्रतिशत उठेगा कि नहीं उठेगा और किस प्रारूप के तहत इनका तबादला किया गया है, उस पर कोई चर्चा होगी, ये बस बताएगा जी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए आगरा में अलर्ट जारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड और मंकी पॉक्स को लेकर यात्रियों की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आगरा में देश से नहीं विदेशों से भी ताजमहल के दीदार के लिए लोग पहुंचते हैं, इस कारण आगरा में निगरानी करना बहुत आवश्यक है। COVID-19 के दौरान भी आगरा विदेश यात्रा से लौटे व्यापारियों ने इस महामारी को फैलाया था। अब इस बार भी मंकी पॉक्स के कारण स्थिति स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में आज आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंकी पॉक्स को लेकर यात्रा कर रहे यात्रियों की बारीकी से जांच की है। यहाँ पर जो भी पैसेंजर बाहर से जो सफर करके आ रहे हैं उनकी यहाँ पर कोविड के लिए RT-PCR एंटीजन जांचें की जा रही हैं, और मंकी पॉक्स जो दिल्ली में केस निकला है तो उसके लिए CMO सर द्वारा यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी पर्यटक स्थल हैं
यहाँ से पर्यटकों का आना जाना है, तो उनके लिए यहाँ पर जो सिम्टोमेटिक आते हैं तो उनको जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। समूचे भारत में कोरोना वायरस के बाद एक बीमारी मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने आज आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण भी किया और स्वास्थ्य विभाग ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी आने जाने वाले यात्रियों पर खास निगाह भी रखी जाएगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मंकी पॉक्स को लेकर एक डेस्क भी बनाया गया है। अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो उसको जिला अस्पताल में एडमिट करने की व्यवस्थाएं भी पूरी की गई हैं। ताजनगरी आगरा को पर्यटन स्थल कहा जाता है। यहाँ पर देश विदेश से सैलानी ताजमहल को निहारने आते हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अपने सहयोगी राशिद हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जिशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या कुछ गाइडलाइन आगरा के लिए जारी किया गया है मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए? इसलिए मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा पर्यटन स्थल है। यहां पर देश विदेश से अन्य पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। इसी को लेकर देश के अंदर जैसे मंकी पॉक्स महामारी ने कदम तेज बढ़ा लिए हैं, उसी को लेकर ताजनगरी आगरा के सीएमओ डॉक्टर श्री अरुण श्रीवास्तव ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जो स्थान हैं उन पर सभी जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक डेस्क भी लगाया गया है। वहां पर सभी आने वाले यात्रियों पर खास निगाह रखी जाएगी और वहाँ उनका चेकअप भी किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित निकलता है तो उसको जिला अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। आइसोलेट की भी ताजनगरी आगरा में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर सभी अधिकारियों का यही कहना है कि मंकी पॉक्स को लेकर सभी सतर्क हैं, सभी ने व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर रखी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना वेब की, दूसरी वाली वेब की, अगर कोरोना वेब की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना वेब में भी सरकारों द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पर अगर जानता ही है धरातल पर क्या स्थिति थी। हालांकि मंकी पॉक्स को लेकर भी बड़े बड़े वादे करे जा रहे हैं, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मंकी पॉक्स को लेकर क्या तैयारियां की गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जिशान। जनपद श्रावस्ती में थाना मलहीपुर के कंपोजिट विद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर पोस्टर्ड अध्यापक ने जब छात्र को बेवजह पीटा तो अभिभावकों ने इसका विरोध कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूल में तैनात महिला अध्यापक ने छात्र को दूसरे अध्यापक के पास रजिस्टर लेने भेजा था, जहां पर अध्यापक ने बेवजह छात्र की पिटाई कर दी, जिससे छात्र को अंदरूनी चोटें भी आई हैं। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कहाँ रहते हो? कोकल। विद्यालय आए हो? हाँ। यहाँ क्या हुआ है? मैं सब्जी मारी नहीं हूँ, हम गए रजिस्टर मांगने पर पगड़ कानून में दिन तक गटाई खोद दाव का तक गलती धकेल दी और उनका मानी उनका दांत टूट गया है। किसे शिकायत किए? किसी से? अपने पिताजी को बताए थे? पता नहीं किस लिए मारा गया, मारी नहीं, देखा कि मारी नहीं, बच्चा आया बताया घर कि पेड़ में लड़ा के मारी, इसलिए हम आए मास्टर से पूछे। और मास्टर कुछ कह रहे नहीं रहे हैं, कहने तुम्हारे बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है। तो इसकी शिकायत कहीं की है? अभी कहीं नहीं किया है, फ़ोन किया है 1-10-98 पे। जी, वो बच्चा बता रहा है कि मतलब मेरा जो है कान पकड़ा और जो है मुझे गले पकड़ करके धकेल किया। उसके बाद और बच्चों से भी मैंने पूछा, उन बच्चों ने भी यही बताया कि मतलब मारा है। किसने मारा बच्चों को? पीयूष मिश्रा सर ने। क्या है वो? वो यहाँ कोकल विद्यालय के कंपोजिट विद्यालय के वो जो है सहायक अध्यापक हैं। अब देखिए, कोई भी जैसे हम हैं या कोई है जो
मतलब काम करता है वो तो अपनी सफाई ही देगा, लेकिन जो है बच्चे जो बयान कर रहे हैं विद्यालय के, वो बात जो है वही बात सही है। सर हमारे यहाँ जो पीयूष मिश्रा मास्टर साहब हैं, ये आए दिन कभी शिक्षा मित्रों से, कभी प्रधान अध्यापक से, कभी बच्चों से आए दिन खुराफास किया करते हैं। आज के कई महीना पहले हम लोग बेसर साहब से डायरेक्ट मिले, बेसर साहब ने आश्वासन दिया कि हम इनको हटा देंगे, फिर को ना इनको हटाया गया ना इनको डांटा फटकारा गया। फिर हम लोग बीओ साहब से कहे, बीओ साहब द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिखित मांगा गया, लिखित भी हम लोग दे दिए, और केवल इसी अध्यापक की वजह से आए दिन यहाँ बवाल खुराफास। एक तो खोया खोया बैठा रहता, कभी समझ ना आता है, ना बच्चों को ठीक से पढ़ाता, लेकिन जहाँ भी शिकायत करो कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो हम लोग शिकायत करके थक गए हैं सर। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है ये छात्र की पिटाई का? प्रदीप, ये छात्र की पिटाई का क्या कुछ पूरा मामला है? ये मल्हीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास खंड हरिहरपुर रानी के ये कंपोजिट विद्यालय कोकल का पूरा मामला है, जहां एक छात्र जो है अपनी पिटाई करने का आरोप पीयूष मिश्रा शिक्षक के ऊपर लगाया है। अपने अध्यापक से जब बताया तो अध्यापक वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। क्या उच्च अधिकारियों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है शिकायत के बावजूद भी? आखिर इस मामले में कोई संज्ञान लेने को तैयार क्यों नहीं है? इस मामले को लेकर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि एबीएसए से रिपोर्ट मांगा गया है, एबीएसए द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा और उसमें जो भी शिक्षक दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रदीप। अलीगढ़ में केला नगर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला। दरअसल कांग्रेस सांसद ने संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिला अलीगढ़ में मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा से हूँ, मधुलकर राघव। आज हम लोगों ने यहाँ जिला अलीगढ़ और महानगर के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन पैदल मार्च निकाल के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने हमारी नवनियुक्त जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, उनके अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, उनके खिलाफ समस्त महिला मोर्चा हमारा, समस्त नारी शक्ति उस शब्द के खिलाफ है। नगर की बहनों, महानगर की बहनों ने मिलकर जो हमारे नवनियुक्त राष्ट्रपति के लिए जो अपशब्द बोले हैं कांग्रेस के, उन्होंने हम पूरी महिला शक्ति की तरफ से उनसे एक ये कहते हैं कि वो हमारी बहनों के हाथ जो माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमेशा नारियों की सम्मान और उनकी पूजा की गई है। जहां नारी सम्मानित होती है वहीं कहते हैं ना देवता भी वास करते हैं, और बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि आज जो कांग्रेस सरकार जो आदिवासियों की ख्याल रखा करती थी, उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस के मन में क्या है, कितनी आदिवासी बहनों के लिए सम्मान और अपमान। देशभर में जहां एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अधीर रंजन के बयान को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, महिलाएं भी रोड पर आ गई हैं। उनका ये कहना है कि अलीगढ़ की महिलाओं का ये कहना है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है कांग्रेस सांसद के द्वारा, ये बेहद ही गलत है। अधीर रंजन के खिलाफ महिलाओं ने विरोध निकाला है। ने भी इसको बताया है कि ये कहीं ना कहीं देश का अपमान है राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की बातें करके। स्मृति ईरानी ने संसद में जमकर बवाल भी किया था इस मामले पर, जमकर हंगामा हुआ था संसद में, उसके बाद अलीगढ़ की महिलाओं ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। दरअसल कांग्रेस सांसद ने संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेकर इन महिलाओं ने विरोध किया है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मितेश जुड़ चुके हैं। मितेश, ये जो महिलाओं ने मोर्चा निकाला है, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? तो मैं आपको बता दूं, लगातार जो टिप्पणी के बाद, राष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद माहौल गर्मा गया है और लगातार मोर्चे निकाले जा रहे हैं और बीजेपी द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस तरीके से कहा जा रहा है कि इस तरीके की बात अगर बोली है तो सोनिया गांधी माफी मांगे, और अन्य कार्यकर्ता भी कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम और ज्यादा उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नितेश। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।